गाइस, हाउ आर यू। आज का वीडियो दिल्ली हार्ट का होने वाला है, जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन INA है। यहाँ पर भारत के भिन्न भिन्न जगहों से बुनकर, शिल्पकार, हस्तकार अपना सामान बिना बिचौलियों की मदद से सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, जो मुनाफा कमाते हैं। आइए हम यहाँ पर शेयर करते हैं, आइए दिल्ली हाट मेरे साथ। हम लोग कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग INA के लिए मेट्रो लेंगे। हम लोग कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, पर यहाँ पर पता चल रहा है काफ़ी भीड़ है। अक्सर ऐसा देखा नहीं गया है, भीड़ है, बट आज भीड़ थी। जाने से पहले मैं अपने मेट्रो स्मार्ट कार्ड चेक कर लेती हूँ कितने पैसे हैं। 172 पैसे हैं मेरे। अब हम लोग स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए। मेट्रो आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है मेट्रो आ गई है। अब मुझे जल्दी जाना होगा। मेट्रो के अंदर हूँ मैं। हम लोग मेट्रो INA स्टेशन में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर कुछ ही दूर पे दिल्ली हाट है। ये दिल्ली हाट के बाहर का नज़ारा है, जो काफ़ी सुंदर है और बहुत ही मनमोहक लगा मुझे ये दो तोते देखकर। मेरे हस्बैंड टिकट लेने गए हैं। एडल्ट का टिकट 30 रुपए का है और बच्चों का टिकट 20 रुपए के होते हैं, और विदेशियों और जो विदेश से आते हैं उनका टिकट 100 रुपए के होते हैं। हम लोग दिल्ली हाट इंटर कर चुके हैं। यहाँ चारों तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये स्टोर ज्वेलरी का है। ये स्टॉल क्रोकरी का है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस स्टॉल में याक के उल से बने उलन कपड़े मिल रहे थे। इस स्टॉल में रियल पर्ल के ज्वेलरीज हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, देखिए ये कैसे जल्दी जल्दी जा रहे हैं खाना खाने के लिए खाने वाले स्टॉल में। मुझे भी भूख लगी हुई है, इनका कुछ नहीं है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। देखिए कैसे मेन्यू पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं भी मेन्यू पढ़ती हूँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आकर पता चला कि ये खाने वाला स्टॉल आज ही खुला है, आज ही रीओपन हुआ है बिकॉज कोविड, क्योंकि इतने दिनों से बंद था। इन्होंने ऑप्शन तो बहुत दिया है, बट बनाया कुछ भी नहीं था। जो इन्होंने बनाया है वही हमें खाना पड़ेगा। पता चला कि हम लोगों ने जो चूज़ किया था वो नहीं बना पाए, और हम लोगों ने नूडल्स और टी मिनरल वाटर ऑर्डर किया है। चलिए पहले पानी पी लिया जाए, बहुत ही प्यास लगी है हमें, और हमारा नूडल्स आ गया और मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। देखिए मैं कैसे खा रही हूँ, इतनी भूख लगी थी मुझे, अब जाकर पेट भरा है। मैं
गरम गरम नूडल्स खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। भैया ने सॉस नहीं दिया है, मैं मांगूंगी उन्हें सॉस। बिना सॉस के मुझे नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं सॉस जरूर से जरूर डालती हूँ। अब मैं चाय पीऊँगी और ये चाय में चीनी ही नहीं है। मैंने बाद में चीनी। अब हम लोग घूमते हैं यहाँ पर रियल पर्ल का स्टॉल में। मेरे हस्बैंड कुछ देख रहे थे, मुझे लगा कि वो मेरे लिए कुछ लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये है मसालों की दुकान, यहाँ से मैंने पान चखा था। और ये हैं हमारे टैरो कार्ड रीडर जो भविष्य में क्या होने वाला है वो बताती हैं। मीठा पान ग्रीन ही है। मीठा लगा पान, मीठा मीठा लगा पान, लेकिन रेड नहीं हुआ मेरा। मेरे को इस बात की टेंशन लगी पड़ी थी कि ये पान मीठा लगा पर रेड क्यों नहीं हुआ। रेड होना चाहिए था ना। मैं तो खासकर पान खाती हूँ जब भी, तो मैं सोचती हूँ रेड हो जाए। यहाँ पर सिल्वर के बर्तन रखे हुए थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये रहे सिल्वर के बर्तन और कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई थी। ये क्लॉक का स्टॉल था और यहाँ पर हमारा चेस बोर्ड और ओखली रखा हुआ है। और यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं, भगवान की मूर्तियाँ भी थी। और इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को। और यहाँ पर ऊपर में जो तंबू लगा हुआ है ये काफ़ी कलरफुल था। और ये फुंचू बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ओढ़नी लगे हुए थे, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ग्रुप पिक्स ले रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा होती हैं बट आज नहीं थी। जब भी मैं गई हूँ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज हमारा बैड लक था जो नहीं हुआ। कोविड की वजह से भी नहीं हुआ होगा। यहाँ दिल्ली हाट में हमारे भारत देश के अलग अलग स्टेट का खाना मिल जाएगा आपको, अलग अलग स्टेट का सारा सामान, पारंपरिक सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे हैंड पर्स रखे हुए थे जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जिन लोगों को कुर्तियाँ बहुत पसंद आती हैं, जो कुर्तियों में काम किए हुए रहते, कढ़ी किए हुए रहते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे, काफ़ी स्टाइलिश मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही मॉडर्न आर्ट है। यहाँ पर कलरफुल क्लॉथ्स भी थे, यहाँ पर सजावट के सामान हैं जो ये सारा हैंडमेड है। ये बहुत ही प्यारा प्यारा डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो घर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कालीन है, ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं जो सारा अपना अपना दाम है। ये बैग्स, कलरफुल बैग्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये पेंटिंग्स हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं।
ये कलरफुल पॉट जो घर पे हम काम में ला सकते हैं। ये वाला बहुत ही अट्रैक्टिव पॉट्स हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें घर पे सजा सकते हैं। ये भगवान बुद्ध की पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये लाइव स्केचिंग कर रहे हैं, ये आर्टिस्ट बहुत ही कमाल के हैं। ये बहुत ही सुंदर स्केच कर बना रहे थे। जब हम लोग आए थे तो पहले दूसरे लोग बना रहे थे, उसके बाद ये बनवा रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल के सामने नंबर लिखा हुआ है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी स्टॉल ढूंढने के लिए। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर प्लाजो टंगी हुई हैं, सारे प्लाजो का अलग अलग दाम है, काफ़ी कलरफुल प्लाजो हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन क्राफ्ट जो घर पर आप सजा सकते हैं। मुझे काफ़ी यूनिक और काफ़ी सुंदर लगा। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ इसे। ये आप घर पर सजा सकते हो इसे लेकर। ये चरखा है जो चलता भी है, मैंने ट्राई किया था इसे चलाने के लिए। आगे बढ़ने पर मुझे बहुत ही कलरफुल शॉल देखने को मिले, वुलन शॉल थे यहाँ पे। ये है सिल्वर ज्वेलरीज। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लोग ज्वेलरीज लेते हैं। यहाँ पे पहाड़ी टोपियाँ रखी हुई हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मुझे तो लग रहा था मैं उठा के पहन लूँ, मेरे पास है वैसे। ये बेत का चेयर है जो एक पेयर 8,500 रुपये का है। यहाँ पर सारा स्टॉल बेत का ही है। यहाँ पर एक बैग मुझे पसंद आया है, वो कुछ 230-250 का है। ये सारा हैंडमेड है जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से सारा कुछ भारत के भिन्न भिन्न जगहों से आप भारत को एक जगह पर देख सकते हैं। दिल्ली हाट के बाहर आते ही मुझे ये पोस्टर दिखाई दिया तो मैंने इसे कैप्चर किया है। ये मुझे बहुत ही यूनिक लगे, मैं काफ़ी मुझे बहुत ही पसंद आया।